Kalam shunya se shikhotak. Hello friend, good morning to all of you and welcome to new education platform Gyanoday. Kalam shunya se shikhar tak. तो चलिए फ्रेंड आज के दिन की शुरुआत करते हैं विद न्यू जोश एंड न्यू सोच। तो फ्रेंड आज के हमारा विचार क्या है, थॉट ऑफ द डे, कोई भी लक्ष्य इंसान के हिम्मत से बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। हार और जीत तो हमारी सोच पर निर्भर करता है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो इसलिए दोस्तों हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमारा टारगेट कितना भी बड़ा हो, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमें ये नहीं मानकर बैठना है कि इतना बड़ा सोच लिए ये कैसे होगा। नहीं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कोई भी लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। हिम्मत मत हारो, उससे लड़ने के लिए संघर्ष करते रहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन में ही ठान लिया कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा तो वो पहले से ही हार बैठ जाएंगे मानकर, तो वो और भी कभी नहीं होने वाला। इसलिए दोस्तों कोई भी काम को करो, एकदम मन में ठान लीजिए कि ये काम हमसे होगा, हम इसी के लिए बने हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल एक्सपेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अभी अमेरिकी कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने अपना सीईओ पद छोड़ने की घोषणा किया है, अब इनकी जगह कौन नए सीईओ होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए मार्क जुकरबर्ग, बी सुंदर पिचई, सी एंडी जसी और ऑप्शन नंबर डी बिल गेट्स, इनमें से कौन होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी एंडी जसी। अब देखिए एंडी जसी कौन है, एंडी जसी, एंडी जसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर 1997 में अमेजन से जुड़े हैं। कब से जुड़े हैं, 1997 से। इन्होंने 2006 में अमेजन वेब सर्विसेस शुरू किए हैं, जो कि आज बहुत ही ज्यादा प्रचलित है ये अमेजन वेब सर्विस। और देखिए ये कितने वर्ष के हैं, ये इस समय 52 वर्ष के हैं। और इस समय ये किस पद पर हैं, इस समय ये क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार देख रहे हैं। तो इस समय ये क्या कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार देख रहे हैं। अब देखिए ये जो अमेजन कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 1994 में हुई है और 1994 से ही जेफ बेजोस इनके सीईओ हैं। सीईओ कौन है 1994 से, जेफ बेजोस 1994 से कब तक थे, 2021 सीईओ पद पर रहे हैं ये। और देखिए दोस्तों इनको लगभग कितने दशक तक रहे हैं, 3 दशक तक, यानी 27 साल, 27 ईयर 27 साल तक इस पद पर रहे हैं 1986 में प्रिंस्टन विश्वविद्यालय से पढ़कर
ये जेफ बेजोस, जेफ बेजोस, बेजोस कितना, जुलाई जुलाई 1994 में कई कई कंपनियों में काम किया है। उसके बाद जुलाई 1994 में अपने गैराज से ही ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। क्या 1994 में ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। इसी से आगे बढ़ते गए, जब उन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर खोला और इसी से आगे बढ़ते गए, इन्होंने अमेजन अमेजन डॉट इंक की शुरुआत किए। इस प्रकार इन्होंने इसके अमेजन डॉट इन की शुरुआत किए और धीरे धीरे अमेजन को एक बहुत बड़ी कंपनी के में शुमार करा गया। तो इन्होंने ये अमेजन कंपनी के लिए बहुत ही योगदान दिया है और लगभग 27 वर्षों से ये इस पद पर रहे और अभी जो ये इस्तीफा दिए यानी कि इस पद को छोड़ने के लिए घोषणा किया है, इसके बारे में अभी पूरा साफ क्लियर नहीं हुआ कि क्या कारण है इनका छोड़ने का। और देखिए इनका कारण भी पता नहीं चला और जो पत्र में लिखे हैं अपने वर्कर से ये भी कहा है कि ये मेरा कोई मतलब रिटायरमेंट मैं नहीं ले रहा हूँ, आज भी मेरे अंदर पहले से भी ज़्यादा एनर्जी है, मैं अब खुद से स्वतंत्र रूप से कुछ अपना खुद से कार्य करना चाहता हूँ। आज भी ये इस पद को छोड़ने के बाद भी ये अमेजन के कार्यकारी चेयरमैन होंगे। आज भी ये क्या होंगे, अमेजन के कार्यकारी चेयरमैन रहेंगे इस्तीफा देने के बाद भी, यानी कि इस पद को छोड़ने के बाद भी। तो दोस्तों इसके नए कौन होंगे, एंडी जेसी हैं इनके नए सीईओ। अब देखिए ये मार्क जुकरबर्ग कौन है, ये देखिए ये फेसबुक के सीईओ हैं, सीईओ या फाउंडर कह सकते हैं मार्क जुकरबर्ग। और सुंदर पिचाई कौन है, ये गूगल के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई ये जो है गूगल के सीईओ हैं। और बिल गेट्स कौन है, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में वर्ष 2020 का हिंदी का कौन सा शब्द चुना गया है। तो ऑक्सफोर्ड हर वर्ष एक हिंदी शब्द को चुनती है, तो इस बार ऑक्सफोर्ड द्वारा कौन से शब्द को चुना गया है, हिंदी शब्द है एकांतवास, बेरोजगार, कोरोना या आत्मनिर्भरता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता। अब देखिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द का मतलब क्या है, ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के मतलब उस शब्द से है जो पिछले वर्ष काफ़ी प्रचलित रहा है और एक लंबे समय तक लोगों के चर्चा में रहा है, जब कोई भाषण हो उसमें भी उस शब्द का चर्चा हो। जैसे कि पिछली बार यानी कि 2020 में कोरोना काल में जब पीएम मोदी ने पहली बार कोविड रिकवरी के लिए एक पैकेज का ऐलान किया था, उस समय भी इसी आत्मनिर्भरता शब्द के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था आत्मनिर्भर होने के लिए। और आज भी देख रहे हैं बहुत सारी स्कीम चल रही है जिसमें आत्मनिर्भर शब्द आता जरूर, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको और प्रेरित करना। तो ये शब्द आत्मनिर्भर शब्द 2020 में काफ़ी प्रचलित था और काफ़ी दिन तक चला है, इसलिए इस शब्द को ये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में हिंदी शब्द में चुना गया। और देखिए दोस्तों इसे किसके द्वारा चुना गया है, देखिए भाषा विशेषज्ञ कृतिका अग्रवाल पूनम निगम सहाय
पूनम निगम सहाय और इमोजेन फॉक्सेल के सलाह का पैनल ने इस शब्द को चुना है। तो किसके द्वारा चुना गया है? भाषा विशेषज्ञ हैं ये सब, कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम, इमोजेन फॉक्सेल, इन तीनों के एक सलाहकार पैनल था, उनके द्वारा आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड में हिंदी शब्द के लिए चुना गया है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स की कौन सी रॉकेट मंगलवार को लैंडिंग करते समय विस्फोट हो गया? ऑप्शन नंबर ए स्टारशिप S9, ऑप्शन बी स्टारशिप S8, ऑप्शन सी स्टारशिप S9 और स्टारशिप S8 दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टारशिप S9 रॉकेट। देखिए मंगलवार को इसका प्रक्षेपण किया गया है, इसको किस लिए बनाया जा रहा है, यानी कि मंगल और चंद्रमा पर भविष्य में यात्रा के लिए इसे बनाया जा रहा है, कि कौन सी कंपनी? स्पेसएक्स, एलन मस्क की कंपनी है ये। तो इसे प्रक्षेपण के दौरान जब ये अधिकतम ऊंचाई 10 किलोमीटर तक ऊपर गई है, उसके बाद ये लौटते समय अपना नियंत्रण खो दिया, और नियंत्रण खोने के बाद ये जमीन से जैसे ही लैंड करते वक्त टकराई, इसमें विस्फोट हो गया। 3 महीने के अंदर ही इसी प्रोजेक्ट के तहत, यानी स्पेस एक्स की ये स्टारशिप S प्रोजेक्ट के तहत ही यह दूसरा हादसा है। अभी 10 दिसंबर 2020 को स्टारशिप S8 का भी विस्फोट हुआ था। अब देखिए स्टारशिप S9 की लंबाई कितना है? स्टारशिप S9 की लंबाई 50 मीटर या 16 मंजिले है। तो ये था स्टारशिप S9 जिसका अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है लैंडिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी केरल हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और आजू वर्गीज को किस ऑनलाइन गेम के प्रचार प्रतिबंध के लिए नोटिस भेजा गया है, यानी कि इन तीनों लोग को कौन सा ऑनलाइन गेम है उसके प्रचार प्रतिबंध के लिए नोटिस भेजा गया केरल हाईकोर्ट द्वारा। तो कौन सा गेम है? पबजी, फ्री फायर, रमी या मोबाइल लाइट। तो इन चारों गेम में कौन सा गेम है जिनके लिए इन्हें नोटिस भेजा गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रमी गेम। यह एक ऑनलाइन गेम है। अब देखिए केरल हाईकोर्ट में एक दायर याचिका में इस ऑनलाइन गेम को प्रतिबंध के लिए मांग की गई है, जिसके लिए केरल हाई कोर्ट ने इनको लोगों को नोटिस भेजा, और ये अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, विराट कोहली और आजू वर्गीज रमी गेम के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, और इनको ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन गेम है इसमें युवाओं को नशे के लत में शामिल करने के लिए जितने भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इनको नोटिस भेजा गया है, और राज्य सरकार को भी इस गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिस भेजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, रमी गेम्स। अब देखते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में इंडो इस्लामिक मस्जिद के साथ बन रहे रिसर्च सेंटर का नाम 1857 के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चार ऑप्शन है, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, मंगल पांडे और ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये चार क्रांतिकारी हैं, इनमें से किसके नाम पर रिसर्च सेंटर का नाम रखा गया है जो कि अयोध्या में बन रही मस्जिद के पास ही बन रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलवी अहमद उल्ला शाह। अब देखिए 1857 में, ये जो 1857 में कमल योजना के दौरान जो क्रांति फैलाने का प्लान था वो भी इन्हीं का था। और देखिए अब यह मस्जिद और रिसर्च सेंटर कहाँ पे बन रहा है? यह अयोध्या के रोहानी स्थित धन्नीपुर, कौन सा धन्नीपुर में मिली पांच एकड़ जमीन में बन रहा है। तो ये जो मस्जिद है और ये जो मस्जिद के साथ साथ रिसर्च सेंटर बन रहा है कहाँ पे? अयोध्या के रोहानी स्थित धन्नीपुर में, कौन सा है ये धन्नीपुर मिली 5 एकड़ की जो जमीन है उसमें बन रहा है। और देखिए इंडो इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट के जो वो है सचिव है, इंडो इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने बताया है कि मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर अस्पताल, पुस्तकालय और सामुदायिक रसोई, प्रकाशन हाउस भी बनेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो मौलवी अहमदुल्ला के नाम पर ये रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे अस्पताल, पुस्तकालय, सामुदायिक रसोई, प्रकाशन हाउस भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सीआरपीएफ टीम में 21 बाइक एम्बुलेंस शामिल किया गया है, इस एम्बुलेंस को किस नाम से जानते हैं? तो चार ऑप्शन है, रक्षक एम्बुलेंस, रक्षिता या रक्षा कवच या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से नाम से इस एम्बुलेंस को जाना जाता है जो बाइक में बनाया गया अभी हाल ही में? तो इसका नाम है रक्षिता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है रक्षिता। क्या है? रक्षिता। देखिए इसे नक्सलवाद व उग्रवाद इलाकों में घायलों को निकालने के लिए किया गया है, इसे शामिल किया गया बाइक एम्बुलेंस को। अब देखिए इसे किस बाइक में बनाया गया है? इसे 350 सीसी रॉयल्स इनफील्ड
क्लासिक, क्लासिक बाइक, बाइक पर बनाया गया है, बनाया गया है। देखिए कितने सीसी के, 350 सीसी रॉयल इनफील्ड क्लासिक बाइक पर इसे बनाया गया है। इसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी एक घायल मरीज के जो कि एक फोर व्हीलर एम्बुलेंस में होती है। अब देखिए सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है, एपी महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, इसे और किस नाम से मनाते हैं? तो इसे और किस नाम से मनाते हैं, पहला देखिए पराक्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, सैन्य दिवस। तो इनकी जयंती को और किस नाम से मनाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। तो ये हुआ इनकी कौन सी जयंती थी, 125वीं जयंती थी। अब देखिए ऑप्शन जो सेकंड दिया है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को, 12 जनवरी। देखिए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसे मनाया जाता है, जिन्होंने युवाओं को यही संदेश दिया है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको सफलता न मिल जाए या आपके लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, इन्हीं का संदेश है ये। और देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए सैन्य दिवस, आर्मी डे, ये 15 जनवरी। और देखिए 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि यूपी का गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में माता प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे, मुख्यमंत्री थे या लेखक थे या राज्यपाल थे या लेखक एवं राज्यपाल दोनों थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लेखक एवं राज्यपाल दोनों थे। ये कहाँ के राज्यपाल थे, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। इन्होंने राज्यपाल के साथ साथ लेखन कार्य भी कर रहे थे, ये 1957 से लगातार पांच बार विधायक रहे थे तथा 1993 से 1999 तक ये राज्यपाल रहे हैं। इन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें कविता संस्मरण और नाटक शामिल थे। इनकी आखिरी पुस्तक क्या थी, इनकी अंतिम पुस्तक का नाम सिराज ए हिंद थी। तो ये कहाँ के राज्यपाल थे, अरुणाचल प्रदेश के थे, 1957 से लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं और 1993 से 1999 में ये राज्यपाल रहे हैं। ये 40 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है, इनकी अंतिम पुस्तक थी सिराज ए हिंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वन लाइनर न्यूज पॉइंट है कुछ। गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये अभी जांच एजेंसी के अतिरिक्त निदेशक पद पर हैं। इन्हें जब तक कोई नया सीबीआई प्रमुख नहीं हो जाता तब तक ये कार्यकारी प्रमुख पद पर रहेंगे।
और देखिए मौजूदा सीबीआई प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला, ये जो अभी प्रेजेंट टाइम पे थे, हाँ ऋषि कुमार शुक्ला अपना दो साल का कार्यकाल 3 फरवरी को, कब 3 फरवरी को पूरा कर चुके हैं। तो इसलिए जब तक एक नए सीबीआई प्रमुख को ये नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक ये प्रवीण सिन्हा को कार्यकारी प्रमुख पद पर रखा गया है।